बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपको अभी कनाडा का विजिट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हैं इन चीज़ों को लेकर के। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अप्लाई कर लो, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस टाइम पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी इस वक्त आपको कनाडा का विजिट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वक्त YouTube के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो वीज़ास दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि वीज़ास आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी एजेंट ने 200 या 300 वीज़ास अप्लाई किए होंगे, उसमें से जो है वो एक या दो जो है वो वीज़ास आ चुके हैं। तो इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप लोगों को भी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, इस टाइम जो चीज़ें आप देख रहे हो कनाडा में, इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है कि आप विजिट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो। साथ ही दोस्तों, टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए तो जो है वो मई का मंथ और जून का मंथ जो है वो बेस्ट होता है वेदर के हिसाब से, इसीलिए उनको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, रिसेंटली IRCC ने अपडेट दी थी कि अब जिन लोगों के पास भी अप्रूवल लेटर भी होंगे और वो ट्रैवल करेंगे कनाडा, और जब उनके एयरपोर्ट पर आएंगे तो वहाँ पर उनको क्वारंटीन प्लान जो है वो फॉलो करना होगा और अपने पैसे के ऊपर ही स्टे करना होगा होटल के अंदर, जिसकी कॉस्ट दोस्तों कम से कम भी 2000 कैनेडियन डॉलर तक आ जाती है। कुछ दिन पहले ही दोस्तों जस्टिन ट्रूडो ने भी जो है वो अपनी एक ट्वीट के अंदर बताया था कि ये राइट टाइम नहीं है कनाडा ट्रैवल करने के लिए। साथ ही दोस्तों, कनाडा इमिग्रेशन हर बार अपनी अपडेट के अंदर ये चीज़ मेंशन करता है कि इस वक्त बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है कनाडा आने का। अब जिनके पास जेन्युइन रीज़न है वो उनको तो नहीं रोक सकते, उनकी प्रॉब्लम है तो वो कनाडा जा सकते हैं, लेकिन जाने के बाद भी दोस्तों उन्हें 2000 कैनेडियन डॉलर तक खर्च करना होगा और क्वारंटीन प्लान जो है वो फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, फिर क्यों आप जो है वो अप्लाई करने के पीछे पड़े हुए हो? काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे हर रोज़ मैसेजेस करते हैं क्या सर हम अप्लाई कर लें, क्या सर हम ट्राई करके देखें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मार्च के अंदर वीज़ाज अप्लाई किए थे उनके वीज़ाज अब तक नहीं आए, जिन्होंने मार्च 2020 में अप्लाई किए थे। अब आप खुद देख सकते हो दोस्तों, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जब वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपका वीज़ा आ जाएगा? दोस्तों, पॉसिबल नहीं है, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि आपका वीज़ा आए। अच्छा, अब कुछ लोगों के जो एजेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमने दो वीज़ाज अप्लाई किए थे और दोनों के दोनों आ चुके हैं और वो वीज़ा प्रूफ भी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, एजेंट्स का काम तो ऑलरेडी COVID-19 आने के बाद ठप हो चुका है, मतलब उनके पास वैसे ही काम नहीं आ रहा, तो उनको तो चाहिए कि लोग उनके पास आएँ, वीज़ाज अप्लाई करें, उनको पैसे दें ताकि उनकी कुछ आमदनी बने, क्योंकि उनका काम चल ही नहीं रहा, जिसके तहत वो लोगों को पुश कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी दोस्तों आपको अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपका रिलेटिव कनाडा के अंदर मौजूद है और आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है तो आप अपने रिलेटिव को बोल सकते हो कि वो आपको एक अप्रूवल लेटर दे और फिर आप जो है वो विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको वीज़ा मिल जाए, लेकिन उसमें भी 100% गारंटी नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा। अब इस वक्त कनाडा इमिग्रेशन सिर्फ और सिर्फ PR एप्लीकेशंस के ऊपर, स्टूडेंट एप्लीकेशंस के ऊपर और फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा के ऊपर ही ध्यान दे रहा है। दोस्तों, इन एप्लीकेशंस का ही लोड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, जिसके तहत वो बाकी वीज़ास की तरफ देख ही नहीं रहे। अगर आप अप्लाई करते भी हो विजिट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा, और अगर आपके पास कोई ऐसा रीज़न है कि आप घूमने जाना चाहते हो या कोई जगहें देखना चाहते हो वहाँ पे, या फिर अपनी कंट्री में बोर हो रहे हो, कुछ भी एक्सप्रेस ऐसे रीजंस हैं, तो दोस्तों आप भूल जाओ कि आपका वीज़ा आपको मिलेगा भी, क्योंकि आपका वीज़ा पेंडिंग में ही रहेगा। जिन लोगों ने मार्च अप्रैल के अंदर अप्लाई किया था 2020 में, उनके वीज़ाज भी अब तक पेंडिंग में ही है, इसीलिए आपका वीज़ा भी पेंडिंग में ही रहेगा। अच्छा, अब जो लोग बोल रहे हैं कि कनाडा का विजिटर वीज़ा ओपन हो चुका है या फिर टूरिस्ट वीज़ा ओपन हो चुका है, तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बताते चलूं कि वीज़ा तो कभी बंद हुआ ही नहीं।
हमेशा उनके पोर्टल्स ओपन थे, आप ऑनलाइन हमेशा अप्लाई कर सकते थे। कोविड 19 के टाइम पे भी विजिटर वीजास बंद नहीं हुए थे, उनके पोर्टल्स ओपन थे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे और अभी भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें नुकसान आप ही का है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि विजिटर वीजा ओपन हो गया है, टूरिस्ट वीजा ओपन हो गया है, रेशो अच्छा चल रहा है, अभी अप्लाई कर लो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप अप्लाई करोगे तो आप ही नुकसान में जाओगे। अब मैं आपको ये चीज बताते चलूं दोस्तों कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जो चांसेस सुनने में आ रहे हैं वो अप्रैल तक के हैं कि अप्रैल के अंदर अंदर सब कुछ सही हो जाएगा, फिर आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा। अगर लोगों के विजिटर वीजा आना शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो टूरिस्ट वीजा या फिर विजिटर वीजा। अगर आप चाहो तो दोस्तों पीआर प्रोग्राम की तरफ ध्यान दे सकते हो। अगर आप पीआर प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटीज जो है वो पूरी कर लो तो उससे आपको पीआर भी मिलेगा और आप कनाडा जो है वो जा भी पाओगे। साथ ही दोस्तों ओपन वर्क परमिट वालों के लिए भी कहना चाहूँगा कि ओपन वर्क परमिट वाले भी अप्लाई करें, क्योंकि उससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि ओपन वर्क परमिट वालों की एप्लीकेशंस को अप्रूव किया जा रहा है, उनको वीजाज दिए जा रहे हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आपका जो स्कोर है उसकी स्टडी अगर कम रह गई या ख़त्म हो गई तो फिर आपको जो है वो वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपके पास अभी टाइम है कि आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई करो। अगर उनकी स्टडी वगैरह ख़त्म हो गई या फिर कम रह गई तो आपका वीज़ा जो है वो ना होने के बराबर आएगा, क्योंकि फिर जो है वो आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।